नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर झांसी के गरोठा से है। गुरुवार को कोतवाली गरोठा में मीडिया कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ एसएचओ शीतांशु पटेल द्वारा गाली गलौज व अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर कस्बे के पत्रकारों ने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई न होने पर तहसील मुख्यालय पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। इससे पहले जिला एवं क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने एसएसपी झांसी श्री ओपी सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद एसएसपी साहब ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी एसएचओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी गुस्साए पत्रकारों ने जिला मुख्यालय गरोठा तहसील व अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्र के पत्रकारों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई न होने पर तहसील मुख्यालय व अनशन पर बैठने की चेतावनी दी गई है। पत्रकारों का कहना है कि जब तक प्रभारी निरीक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक पत्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले कलम के सिपाहियों को अब तक न्याय नहीं मिला, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे इस लड़ाई को जारी रखें। झांसी में मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने एसपी ग्रामीण राहुल मिठास से बात की, जिस पर एसपी ग्रामीण ने बुधवार को मामले का निस्तारण करने की बात कही। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार मुकेश वर्मा, सुल्तान आब्दी, रामपाल सिंह यदुवंशी, बालादीन राठौर, सलीम मंसूरी, तौसीफ कुरैशी, शशिकांत तिवारी, राजेश परिहार, संजय गुप्ता, रिंकू सेंगर, मिलन सिंह परिहार, राजेंद्र बुंदेला, राजकुमार तिवारी, प्रदीप शर्मा, मुवीन खान, राजू पटेल, असलम खान सहित तमाम पत्रकार धरने प्रदर्शन में मौजूद रहे। गरोठा से प्राइम न्यूज 24 के लिए कैमरामैन फाइम राइन के साथ नसीम खान की खास रिपोर्ट।